नमस्कार फ्रेंड, आप सभी लोगों का स्वागत है आज की इस खास एपिसोड में। आज मैं आप लोगों को HDFC बैंक से पर्सनल लोन के बारे में आप लोगों को कंप्लीट गाइड करने वाले हैं कि कितना आपको चार्ज लगता है, किस तरह से आप लोगों को अप्लाई करना चाहिए, आप लोगों को यहाँ पे प्रोसेसिंग फी क्या देना पड़ता है और आप लोगों को यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्या देना पड़ता है। सारा कुछ आज के इस एपिसोड में मैं आप लोग के सामने में यहाँ पे अवेल करने की कोशिश करूंगा। यदि आप लोग पर्सनल लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं HDFC बैंक के तरफ से, यदि आप लोग के पास सेविंग अकाउंट है तो भी, अगर आप लोग सेविंग अकाउंट यूज नहीं करते हैं तो भी आप लोग को यहाँ पे HDFC बैंक जो है लोन प्रोवाइड करती है। आप लोग को बस यहाँ पे जो है जानकारी होना चाहिए कि आपको कितना इंटरेस्ट रेट लगता है, कितना आपको प्रोसेसिंग फी लगता है, क्या आपको टेन्योर मिलता है। सारा कुछ आप लोग समझ लीजिएगा तो आप लोग को बैंक में अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोगों को डायरेक्ट यहाँ पे एप्लीकेशन आप लोग सबमिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इसके लिए मैं अपने मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पे चलूंगा, वहाँ पे जाने के बाद आप लोग को कंप्लीट गाइड करने की कोशिश करेंगे और साथ ही आप लोग को यहाँ पे लाइव एग्जांपल के साथ आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड, देर ना करते हुए इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसा कि अभी आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस पेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से जाके सारा कुछ आप लोग EMI वगैरह कैलकुलेटर से आप लोग चेक कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे देना पड़ सकता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा आप लोगों को यहाँ पे प्रोसेसिंग फी, उसके बाद आपको इंटरेस्ट रेट के बारे में। तो यहाँ पे जैसे गाइज आप लोग आते हैं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं गाइज, आप लोग को 10.5% से लेके 24% का आपको इंटरेस्ट रेट लगता है। यदि आपका सिविल स्कोर ज़्यादा अच्छा है, आपका यहाँ पे जो है इनकम सोर्स अच्छा है, आपके पास ITR है या फिर सैलरी स्लिप है, तो उस कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पे कम से कम यहाँ पे जो है इंटरेस्ट रेट लगता है। यदि आप लोगों को यदि आप लोग के ऊपर ऐसा लगेगा बैंक की यहाँ पे थोड़ा रिस्क है, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे 24% में से कोई भी रैंडम सा आपको यहाँ पे इंटरेस्ट रेट आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। लेकिन मेरे केस में गाइज, यहाँ पे मुझे जो एक लोन मिला था HDFC बैंक के तरफ से, जो कि मेरा सिविल यहाँ पे ठीक ठाक था, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पे 24% की दर से मुझे यहाँ पे प्रोवाइड किया गया था। उसके बाद गाइज, यहाँ पे आपको टोटल चार्ज यानी कि जो भी प्रोसेसिंग फी होता है, उसके बाद लोन चार्ज वगैरह जो भी होता है, यहाँ पे आपको यहाँ पे 4,999 रुपये तक का आपको यहाँ पे कोई भी रैंडम सा अमाउंट आपको लगता है। यानी कि मान लेते हैं कि अगर आप लोग का 1,00,000 रुपये का आपका लोन है तो आप लोग को यहाँ पे इतना ज़्यादा प्रोसेसिंग फी नहीं लगता है। तो यहाँ पे आप लोगों को 3,000-2,000 इस तरह से आप लोगों का यहाँ पे मैनेज होके हो जाता है। अगर आप लोग का ज़्यादा बड़ा लोन अमाउंट होगा तो ज़्यादा प्रोसेसिंग फी यहाँ पे हो जाता है, अगर कम है तो आपको कम लगता है। उसके बाद गाइज, आप लोगों को मैं यहाँ पे EMI कैलकुलेटर में आप लोगों को यहाँ पे लेके आ चुका हूँ। आप लोगों को यहाँ पे समझाने के लिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। तो यहाँ पे मान के चलते हैं गाइज, अगर आप लोग यहाँ पे 1,00,000 रुपये यहाँ पे अप्लाई करते हैं बैंक की तरफ से, तो आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद आप लोग यहाँ पे अगर 5 साल के लिए लोन लेते हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद मान के चलते हैं कि आपको यहाँ पे 15% का इंटरेस्ट रेट यहाँ पे अगर आपको लगा है, तो आप लोग यहाँ पे खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं गाइज, आपको यहाँ पे 2,379 रुपये आपको यहाँ पे लगता है। तो 2,379 को आप लोग जैसे यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे 60 महीने में, तो आप लोगों के सामने में यहाँ पे जो भी अमाउंट आएगा तो आप लोग यहाँ पे देख लेना। तो 5 साल के लिए मैंने यहाँ पे लिया है, तो आप लोग ये देख सकते हैं गाइज, आप लोग को कुछ इतना यहाँ पे अमाउंट देना पड़ता है, आप लोग का यहाँ पे सारा कुछ होता है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट वगैरह आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को 5 साल का टाइम मिला है, उसके बाद आप लोगों का यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट मैंने यहाँ पे ऐड किया है वो 15% ऐड किया है। तो हो सकता है कि आपके कंडीशन में आपका 10% ही हो जाए, लेकिन आपको यहाँ पे सब कुछ समझ लेना है। तो ये देख सकते हैं गाइज, तो ये यहाँ पे सारा कुछ आप लोगों का होता है। उसके बाद मैं आप लोग आपके सामने में मैं बात करूँगा यहाँ पे कि अगर आप लोग इस लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो कौन कौन से लोग ऐसे हैं जो कि अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग अगर सैलरीड हैं या फिर जो भी हैं, तो आपके सामने में मैं यहाँ पे सारा कुछ रिवील करने की कोशिश करूँगा। तो इसके बारे में आपको वीडियो में जो भी है इसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग आसानी से चेक कर सकते हैं। तो गाइज, यहाँ पे देख सकते हैं जो भी आपका यहाँ पे प्रोसेस होता है आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं। आपका एज यहाँ पे 21 साल से ऊपर और 60 साल के नीचे होना चाहिए। उसके बाद आपका यहाँ पे अगर इनकम 25,000 रुपये नेट मंथ आता है पर मंथ, तो आप लोग इस लोन के लिए अप्लाई कर पाइएगा। अगर आप लोगों के पास अगर कुछ नहीं है तो आप लोग यहाँ पे ITR सबमिट कर सकते हैं। 2 या 3 साल का आपका ITR लगता है, उसके बाद आप लोग का यहाँ पे बारीकी से आपका यहाँ पे अध्ययन किया जाता है, तो उसके बाद आपको यहाँ पे लोन मिलता है। तो गाइज, यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि आप लोग को यहाँ पे जो भी होता है आप लोग को लाइव ऑनलाइन प्रोसेस हो जाता है, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, जो कि आप लोग के सामने में मैंने स्क्रीन पे यहाँ पे आप लोगों को दिखा दिया है। और आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा, आप लोग को डॉक्यूमेंट के तौर पर आप लोग को यहाँ पे ITR का एक कॉपी देना पड़ सकता है, उसके बाद सैलरी स्लिप देना पड़ सकता है, या फिर आप लोगों को आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, आप लोग इन सारी चीज़ों को आप लोग तैयार रखिएगा। जैसे भी जो भी चीज़ आपसे बैंक आपको डिमांड करती है तो आप लोगों को वो चीज़ आपको सबमिट करना पड़ता है। तो गाइज, मुझे उम्मीद है कि आप लोग यहाँ पे सब कुछ समझ गए होंगे, आप लोगों को किस तरह से क्या होता है सब कुछ मैंने आप लोगों को बता दिया, कितना इंटरेस्ट रेट वगैरह लगता है,
सब कुछ आप लोगों के सामने मैंने यहाँ पे जानकारी देने की कोशिश की है। फिर भी गाइज आप लोगों को कोई डाउट है जो कि आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं कुछ ऐसे ही नए वीडियो के साथ, तब तक क्लब सभी का धन्यवाद दोस्तों।